राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कैब बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फंदे डाले हैं 90। तो ये 90 फंदे पड़े हुए हैं और इसमें बनाऊंगी बॉर्डर। तो ये बॉर्डर एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए बनाएंगे। ऐसे एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो इस तरीके से मैं इसमें बॉर्डर बनाते हुए जाऊंगी। तो इसका बॉर्डर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इसके ऊपर से एक कैप बताऊंगी आपको। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो पूरा बहुत जब आप देखेंगे तभी इसको आपको समझ में आएगी कि ये हमने कैसे बनाया है। तो ऐसे हम एक सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए ये बॉर्डर तैयार करेंगे। तो ये 90 फंदे हैं, बाद में बताऊंगी आपको कितना बड़ा ये कैप है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ऐसे एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए ये बॉर्डर मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर से कैसे बनाना है। तो ये हमने बॉर्डर बना के तैयार कर लिया इस तरीके से। तो ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर है और ये मैं 10 नंबर सिलाइयों से बुन रही हूँ और मेरी नॉर्मल वूल है। तो अब 10 सिलाइयों के बाद में ये बॉर्डर तैयार करने के बाद में अब इसके ऊपर से हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद में सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे इस तरीके से। पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। तो इस सिलाई को बुन लेते हैं। तो हमारी सीधी सिलाई बन गई है। अब इसकी उल्टी सिलाई है तो इसको हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारी 4 सिलाई सीधी और उल्टी बनाई जाएंगी, उल्टी तरफ उल्टी और सीधी की तरफ सीधी बुनते हुए हम ये 4 सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे उल्टा बनेंगे। तो इसकी हम 4 सिलाई बुनेंगे। पहले ये हमारी दूसरी सिलाई है, उल्टी है, उसके बाद सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे। तो इन 4 सिलाइयों को बुन ले पहले। तो ये हमारी 4 सिलाई बन गई है, 1 2 3 4, 4 सिलाई बन गई है। अब इसके ऊपर से हम डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद में उनको अपनी साइड करेंगे और सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनेंगे। तो 4 सिलाई हमारी सीधे की बनेगी और 4 सिलाई उल्टी बनेंगी। तो ऐसे ही इसकी जहाँ तक लंबाई हमें रखना है वहाँ तक इसको बनाते हुए जाना है। 4 सिलाई सीधी और 4 सिलाई इस तरीके से उल्टी बनाएंगे। तो जितनी हमें अपने इस कैप की लंबाई रखना है उतना हम इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके आगे कैसे बनाया है। तो आप मेरे साथ बुनते हुए चलिए इसी तरीके से। पहले बॉर्डर बनाइए 90 फंदों का। अगर आपके पास ऊन मोटी है तो फंदे कम भी कर सकते हैं, सिलाई का नंबर बड़ा हुआ है तब भी आप कम बना सकते हैं। तो जैसी ऊन है उस तरीके से इसके फंदे डालना है। तो मेरी ये नॉर्मल ऊन है और 10 नंबर सिलाइयों से बना रही हूँ। तो इसकी लंबाई के हिसाब से हम ऐसे 4 सिलाई सीधी और 4 सिलाई उल्टी बनाते हुए इसकी लंबाई पूरी करेंगे। ऐसे बुनता हुआ आएगा। तो इसको मैं बना लूँ जितना लंबा रखना है उतना बना के फिर बाद में आपको दिखाऊंगी इसके आगे कैसे बनाना है। तो इतना हमने ये बुन लिया है यहाँ से यहाँ तक। और ये जो हमने जो सीधा सीधा बुना है वो 4 सिलाई हैं और ये 8 सिलाई हैं। जो उल्टी की 4 लाइनें हैं बनी हुई उल्टी उल्टी, तो ये 8 सिलाइयों में बनती हैं 4 लाइनें। तो ये 4 सिलाई हैं, ये 8 सिलाई हैं, फिर 4 सिलाई 8 सिलाई। इस तरीके से हमने 1 2 3 4 4 उल्टी की लाइनें बनाई हैं ऐसे, और 1 2 3 4 ये 4 हमने सीधी पट्टी बनाई है। तो बस इसके आगे अब बताएंगे हम। तो हमने पूरा बुन लिया है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4। तो अब इसको हम घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, यहाँ पहला फंदा स्लिप कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8
ये हमने 8 फंदे गुन लिए हैं और यहाँ 2 फंदों का एक फंदा बनाया गया है ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बुन लिए, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरी लाइन में बनाते हुए जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हमारी लंबाई पूरी हो गई है, 1 2 3 4 चार हमने ये उल्टी उल्टी लाइनें बनाने के बाद इसमें इस तरीके से एक सलाई में ये फंदे घटाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो ऐसे ही हम बना लेते हैं पूरी लाइन में। अभी हम लास्ट में हैं, लास्ट में इस 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो ये हमने 8 फंदे बुने हैं, फिर हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया है। अब इसकी उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे, इसमें कोई फंदा नहीं घटाना है हमें, सारे फंदे इसी तरीके से बुनते हुए जाएंगे। तो इस सिलाई को बुन लेते हैं। तो हमारी उल्टी सिलाई बन गई है, अब इसकी सीधी सिलाई है, इसको हम पूरा सीधा बुनेंगे, इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे और इसकी जो उल्टी सिलाई आएगी उसको भी हम पूरा सीधा बुनेंगे। तो ये सिलाई हम, ये 4 सिलाई का डिज़ाइन है, तो इस सिलाई को पूरा सीधा बुनेंगे और उल्टी सिलाई बुनेंगे और इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे, एक ही सिलाई में हमने फंदा घटाया। तो इसकी हमने ये 4 सिलाई बना ली है, अब इसमें डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे उनको अपनी साइड और फिर 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बुन लिए और यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो पूरी सिलाई में हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। जैसे 4 लाइनें बनी, एक ही लाइन में हम इसको घटाएंगे, फिर ये 3 लाइनें, 1 2 3, इनको हम जैसे फंदे हैं उतना ही बुनते हुए जाएंगे, फिर कोई फंदा नहीं घटाएंगे। पहले सीधी में घटाया पहली लाइन में, उसके बाद 2 सिलाई ऐसी ही बुनी, फिर यहाँ ये पहली सिलाई में घटाया हमने, फिर ये 3 जो लाइनें हैं इनको हम ऐसे ही बुनेंगे, इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो इस सिलाई को तो हम घटाते हुए जाएंगे, उसकी जो दूसरी सिलाई आएंगी उसमें फंदा नहीं घटाएंगे। तो इसके ऊपर हमने 4 लाइनें बना ली हैं, एक लाइन में हमने यहाँ पर फंदा घटाया था यहाँ पर, उसके बाद 3 लाइनें हमने बिना फंदा घटाए बनाई हैं। अब इसके ऊपर सीधी सिलाई है, सीधी एक सिलाई में फंदा घटाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 फंदे बनाएंगे यहाँ पर। और अब इसके ऊपर एक ही सिलाई में फंदे घटाएंगे, फिर सीधा सीधा बनेंगे, फिर यहाँ पर जो नवा फंदा है 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बुन लिए और जो नवा फंदा है इसमें हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर यहाँ जो नवा फंदा है इन 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब हम इसी एक ही सिलाई में बनाएंगे, पहले हमने 1 2 3 4 4 सिलाई हमने इसमें बिल्कुल सीधा और उल्टा जैसे बुनते हुए आए थे ऐसे बुना है। 4 लाइनें ये धारी हैं, ये हमने उल्टे की बनाई है और सीधे यहाँ से फंदा घटाया है। तो यहाँ हमने फंदा घटाया एक सिलाई में, उसके बाद 3 सिलाई सीधी बुनी, फिर यहाँ उल्टे में एक फंदा यहाँ घटाया पूरी लाइन में सब, उसके बाद 3 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुनी। अब ये हमारी सीधी सिलाई है, तो इसमें हम एक ही सिलाई में फंदा घटाएंगे, उसके बाद सीधा सीधा बुनेंगे, सीधा उल्टा, फिर हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। तो इसको हम पूरी लाइन को ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो ये हमने सीधी सिलाई बुन ली है,
और अब इसकी उल्टी सिलाई है और अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। अब इसमें हम उल्टा और सीधा बुनते हुए बनाएं तो सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो इतनी हमने ये सिलाई बना ली है। यहाँ से अब हम गिन के दिखाते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सिलाई हमारी ये सीधी सीधी की हमने बुन ली है। अब इसके बाद में हम जो फंदे हैं यहाँ से उनको यहाँ निकालेंगे, ऐसे पहले सुई में डालेंगे उन। तो इसमें जो फंदे हैं वो गिन के दिखा देते हैं आपको कितने फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 67, 28, 29, 30। 66 फंदे हैं, 66 फंदे हैं हमारे ऊपर। और जो लाइनें बन के तैयार हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइनें बनी है हमारी, और जो सीधी है वो 1, 2, 3, 4, 5, 5 सीधी है। तो अब इन फंदों को कैसे करेंगे तो वो बताते हैं आपको। तो पहले हम 6 फंदे इसमें लेंगे सुई में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे इस सुई पे लेंगे। उसके बाद 8 फंदे सलाई पे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर सुई पे लेंगे हम इस तरीके से 8 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद फिर सिलाई पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पूरी सिलाई के जो फंदे हैं 8 फंदे सिलाई पे लेंगे, 8 फंदे सुई में भरेंगे, 8 फंदे सिलाई पे, 8 फंदे सुई में। तो इस तरीके से करते हुए पूरी लाइन को हम फंदे निकालते हैं। तो ये फंदे हमने भर लिए इस तरीके से। अब हम इस एक फंदे पर ऐसे निकालते हुए जाएंगे, ऐसे जो फंदे हमारे सिलाई में उसको इस तरीके से एक फंदे के ऊपर से ऐसे डालते हुए जाएंगे। उसके बाद ये जो सुई वाले फंदे हैं वो रहने देंगे, उसके बाद इन फंदों को जो सिलाई पे हैं उनको इस तरीके से इसी एक फंदे के ऊपर से ऐसे डालते हुए निकालते हुए जाएंगे। तो सारे फंदे हम एक एक करके इसे निकालेंगे। निकाल लेते हैं ऐसे, जो सिलाई के फंदे हैं वही इसके एक ऊपर से निकालते हुए जाएंगे। तो अब ये जो फंदे हमारे हैं, अब जो सुई में है उन फंदों को हम ऐसे खींच लेंगे। तो खींचते हुए अच्छी तरीके से इसमें हम नॉट लगा देंगे जिससे कि कहीं भी कोई फंदा हमारा खराब ना हो। तो ऐसे खींच लेंगे दोनों फंदों को और अच्छी तरीके से, और फिर इसको यहाँ पर गांठ लगा दें। तो इसको ऐसे इसको हम पूरा कर लेते हैं, इस एक फंदे में इसमें भी हम जो है इसको भी ऐसे निकालेंगे, निकाल के इस फंदे को भी हम सिलाई कर देंगे। तो कोई भी फंदा हमारा छूटा नहीं है और इस तरीके से ये सिल के आएगा, तो ये सीधी तरफ से ऐसा दिखेगा। तो मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर गांठ लगा दूँ, फिर आपको बताऊँगी इसके आगे कैसे बनाया। तो यहाँ इधर मैंने इस साइड में 28 चेन छोड़ दिए हैं और यहाँ मैं 34 फंदे उठाऊंगी ऐसे यहाँ पे, और इधर भी मैं 28 फंदे छोड़ूंगी। तो 34 फंदे यहाँ पे मैं उठा के यहाँ, तो हमने 34 फंदे भर लिए हैं। 28 फंदे हमारे इस साइड हमने छोड़ दिए हैं और 28 फंदे हमारे ये दूसरी साइड के हैं, और यहाँ हमने 34 फंदे भर लिए हैं। तो यहाँ हम गिन के दिखाते हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस। तो ये अट्ठाईस इधर है, अट्ठाईस इधर है, और जो चैन से है ना ऐसे जहाँ फंदा डाला है वहाँ से हमने फंदा उठाया है ऐसे। तो आप भी ऐसे ही उठाइए। उसके बाद हम इस सिलाई को उल्टा कर लेते हैं और इस एक फंदे को नहीं बुनेंगे और बाकी सारे फंदे बुनते हुए जाएंगे। जो फंदे चौंतीस हैं हमारे तो इनको हम बुनेंगे, लास्ट में हम एक फंदा छोड़ेंगे और शुरू से हम एक फंदा छोड़ेंगे, इसको नहीं बुनेंगे। तो हम इस सिलाई को बुन लेते हैं उल्टा पहले ऐसे। तो ये लास्ट में हम आ गए हैं, हमने ये पूरी सिलाई के फंदे बुनते हुए आए, एक पहला फंदा छोड़ दे और इस एक फंदे को बुनने के बाद में हम इस एक फंदे को छोड़ दें। अब हम यहाँ से सिलाई घुमाएंगे, अपनी सीधी सिलाई है हमारी, और इस फंदे को नहीं बुनेंगे और ये जो फंदे हैं इसको बुनते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही हम दोनों साइडों से एक एक फंदा छोड़ के नहीं बुनेंगे, बाकी बीच के फंदे बुनेंगे। तो ऐसे सीधी सिलाई है। तो इसको बुनते हैं हम, लास्ट में लाते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो लास्ट में हम इस एक फंदे को बुनेंगे और एक पहले छोड़ा था, अब एक दूसरी सिलाई में छोड़ा, इसको नहीं बुनेंगे और यहाँ से सिलाई को घुमा लेंगे, फिर इन फंदों को बुनेंगे। तो ऐसे ही दोनों साइड में हमें फंदे एक एक छोड़ते हुए जाना है, बीच के फंदों को बुनना है। तो हमारी उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई में हम फिर एक फंदा पहले छोड़ा, एक दूसरी सिलाई में छोड़ा है, इस फंदे को बुनेंगे और इन दो फंदों को ऐसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ से सिलाई घुमाएंगे अपनी और फिर इन फंदों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही दोनों साइड से हमें फंदे एक एक छोड़ते हुए जाना है। तो हमारे इस तरीके से हमने ये फंदे हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे छोड़ते हुए हमने बुनाई की है एक साइड में, और ऐसे ही सात फंदे हमारे इधर से छूटे हुए हैं। तो अब हम इसको कैसे बुनेंगे, ये सारे फंदे बुनते हुए जाएंगे उस सिलाई में, फिर आपको दिखाएंगे। तो सात सात फंदे हो गए हमारे। अब हम लास्ट में हैं इस तरीके से। तो ये फंदे बुनेंगे और जो हमने फंदा ये जो फंदा है जो हमने छोड़ा है, यहाँ से फंदा उठाएंगे, जो इसकी गांठ है ना यहाँ से उठाएंगे ऐसे। उठाने के बाद में दो फंदों का एक फंदा बना देंगे ऐसे, और फिर सिलाई यहाँ से पलट लेंगे और यहाँ से फिर इसको उल्टा बुनते हुए आएंगे। अब एक एक करके जो सात फंदे हैं ऐसे ही भरते हुए फंदे आएंगे, दोनों तरफ से उठाते हुए आएंगे। तो ये हमारी पूरी सिलाई, हम इसको बुन लेते हैं। जो इधर भी हमारे ये सात फंदे हैं तो यहाँ से हम ये जो गांठ का फंदा है ना यहाँ से इसको उठाएंगे, और उठाने के बाद में ये जो सात फंदा है ना इसी में जो फंदा उठाया हुआ है इसको हम घटा देंगे ऐसे, दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। उसके बाद फिर हम पूरी सिलाई को बनाते हुए ले जाएंगे ऐसे ही। तो ये पूरी सिलाई को बनाने पर तो यहाँ लास्ट में है, इस फंदे को हम बुन लेंगे और यहाँ ये जो फंदा है ना यहाँ से इसको उठाएंगे और ऐसे डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो इस तरीके से आएगा हमारी ये कैप है आगे की, ऐसे ही बनाते हुए ये दूसरी तरफ जाएंगे ऐसे, सिलाई को घुमा लिया हमने और यहाँ से उल्टा बुनते हुए जाएंगे। तो उधर भी एक फंदा उठा के फिर उसी सिलाई पे लेने के बाद में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो सात फंदे हैं, ऐसे ही सात फंदे उठाते हुए ये पूरा बनाते हुए जाएंगे। जितना हमने इसकी लंबाई बनाई है ऐसे ही इसको डबल करने के लिए ऐसे बुनते हुए जाएंगे। तो ये हमारा डबल हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम इसको एक फंदे को उठाएंगे, ये जो फंदा है ना हमारा, तो यहाँ उठाएंगे। ऐसे लिया, लेने के बाद में दोनों फंदों का एक फंदा बना लिया। अब यहाँ से सलाई घुमाई और फिर सीधा बुनना शुरू करें। तो ऐसे ही बनाते हुए हम सारे फंदे बनाते हुए जाएंगे। तो इनको बना ले फिर आपको दिखाएं। तो जितने फंदे थे हमारे, उतने हमने इस तरीके से बना के तैयार कर लिया है। ऐसे आया है, इसकी ये सीधी साइड है और ये इसकी पीछे की साइड है। तो यहाँ अब हम ये पूरा बन गया है। जितने फंदे थे, 7 फंदे, वो हमने ऐसे ही उठाते हुए बना लिए हैं। और यहाँ अब ये बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हमारी जो 10 सलाई है ना, इनको हम बॉर्डर बना के तैयार करेंगे। जब ये बॉर्डर बन जाएगा, फिर यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इसको हम यहाँ बॉर्डर बना लेते हैं। फंदे हमारे जितने थे उतने ही हो गए हैं। तो इस तरीके से ऐसे बन के आया है। तो ये बॉर्डर और बना लें, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमने इसका ये बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। तो आप जितना भी बॉर्डर बनाए, जितना आपके पास बॉर्डर बनाया है, ऐसे ही ये सिलाई करेंगे इसकी। तो पहले इसको हम बंद कर लेते हैं बॉर्डर को। तो पहला फंदा उतारा ऊन अपनी साइड की, और फिर इस एक फंदे को निकाल दिया। फिर ऊन पीछे एक फंदा जो बॉर्डर का है, उसको जो सीधा है उसके ऊपर से ऐसे निकाला। तो सारे फंदे ऐसे ही बुनते हुए हम ये बंद करेंगे। ये बुना, इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया। फिर ये उल्टा फंदा बुना और फिर इसके ऊपर से निकाला। तो ऐसे बनती हुई आएगी ये किनारी। तो हम इन सारे फंदों को बंद कर लें पहले। तो हमने ऐसे बॉर्डर बना के और इसको घटा दिया है। और अब इसकी सिलाई लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताएंगे। इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद पहले इसको सिलेंगे। यहाँ से ये सुई डालते हैं, धागा डाल के इसकी यहाँ सिलाई लगाएंगे पहले। तो हमने इसकी सिलाई कर ली है यहाँ से, ये पीछे से सिलाई लगा ली है। और आगे है तो आगे इसमें हम, हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, उसके लिए हमने ऐसे एक काट लिया है जो कैप बनाएंगे। और इसको इस तरीके से अंदर फिल करके और यहाँ से सिलाई लगा देंगे अच्छी तरीके से। इसके कोई भी चीज़ ऐसे नहीं दिखेगी, ऐसे सिलाई कर देंगे। तो इसकी सिलाई कर दें, फिर आपको दिखाएंगे। इसके अंदर डाल दिया है तो ये कड़क रहेगा, ये यहाँ से झुकेगा नहीं। तो इसको सिलाई कर दें पहले। तो एक कैप बन के हमारी तैयार हो गई है। और ऐसे हमने इसको अंदर फिल कर, तो हमने एक एक्सरा था उसको काट के ऐसे इसके अंदर डाल दिया है। तो ये ऐसे बन गया और इसके नीचे हमने ऐसे सिलाई लगाई। तो ये पूरा कैप बन के तैयार हो गया है। ये फुल कैप है, एक लेडीज जो नॉर्मल लार्ज ये कैप है, तो इसे आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे ये फुल लेडी के आएगा। तो हमारा कैप ऐसे बन के तैयार हुआ है। आपको ये कैप कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।